हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.6। सबसे फर्स्ट सम है फाइंड 2.0.2 मल्टीप्लाई 6। तो आंसर आएगा, सबसे पहले जीरो निकाल के हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 2, 6 है 12 आएगा। तो 0.2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 12, लेकिन जो पॉइंट है वो राइट साइड से लेने का है, तो राइट साइड से 2 के बाद पॉइंट है, तो 1 है, तो 2 के बाद लेफ्ट राइट साइड के 1, 2 हम आगे करेंगे, तो 2 के बाद पॉइंट आएगा और फिर 1, तो 1.2। ऐसे ही सम नंबर 2 है, 8 मल्टीप्लाई 4.6, तो आएगा 368। तो यहाँ से हम राइट साइड से लेंगे, तो 6 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 8 के बाद पॉइंट आएगा। सम नंबर 3 2.71 मल्टीप्लाई 5। पहले ऐसे ही हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 271 मल्टीप्लाई 5 आंसर आएगा 1355। और यहाँ पे हम राइट साइड से पॉइंट लेंगे, तो 7-1 है, यहाँ 5-5 के बाद पॉइंट आएगा। 21 मल्टीप्लाई 4 201 मल्टीप्लाई 4 तो आंसर आएगा 804। तो यहाँ पे 1 के बाद है पॉइंट, तो यहाँ 4 के बाद पॉइंट आएगा। राइट साइड से 1 हम आगे जाएंगे, तो 4 के बाद पॉइंट आएगा। सम नंबर 4 0.05 मल्टीप्लाई 7। तो 5 मल्टीप्लाई 7 तो 35 आएगा, और फिर हम करेंगे तो 35 के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 0.5 के बाद पॉइंट है। तो राइट साइड से हम आगे बढ़ेंगे, तो 2, 5 और 3 के बाद पॉइंट आएगा, और पॉइंट अकेला नहीं होता है, तो 0 आगे आएगा। फिर है सम नंबर 4 211.202 मल्टीप्लाई 4। तो इसका आंसर आएगा 84408, और 2 के बाद पॉइंट है, तो 8 और 0 के बाद पॉइंट आएगा। सम नंबर 6 2 मल्टीप्लाई 0.886, तो आंसर आएगा 172। और 2 के 2 नंबर के बाद आएगा पॉइंट राइट साइड से, तो 7 के बाद आएगा पॉइंट। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किया है, तो आंसर आता है 171.1।